2024 के चुनाव में अब मुश्किल से 3 महीने से भी कम का समय बचा है और इन बचे हुए समय में मोदी सरकार तीसरे टर्म में एक बार फिर से लौटने की दम भर रही है। इसके लिए पीएम मोदी अपने तर्कस से हर तीर चला रहे हैं और जिस तरह का ट्रेंड और जनता का मूड निकल कर सामने आ रहा है उससे बीजेपी गदगद है। चुनावी बयार में बीजेपी के लिए एक और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है और वो ये कि चुनावी चंदे से उनकी झोली लबालब भर चुकी है। ऐसे समय में जब तमाम सियासी दल लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी गोलबंदी सेट करने में जुटे हुए हैं, इसको लेकर राज्यवार कितने फंड का इस्तेमाल हो रहा है, इसको लेकर भी अभी से फंड की रकम का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। चुनावी खर्चा को पूरा करने के लिए कांग्रेस समेत तमाम दल अपने अपने स्तर पर फंड को बढ़ाने के लिए दांव पेच में जुटे हुए हैं। भले ही दूसरे सियासी दलों के लिए अपने फंड का इंतजाम करने में पसीने छूट रहे हो, लेकिन बीजेपी का तो जैसे गोल्डन पीरियड चल रहा है। चुनावी चंदे से बीजेपी की झोली पूरी तरह भर चुकी है और इसके खजाने में 2361 करोड़ रुपये से अधिक रकम जमा हो चुकी है, यानी इसके चुनावी चंदे में 23% की बढ़ोतरी हुई है। कुल रकम का 54% हिस्सा चुनावी बॉन्ड के जरिए आया। एक और चुनावी चंदे से बीजेपी की चांदी कट रही है, वही दूसरी ओर कांग्रेस और तमाम सियासी पार्टियां चंदे के मामले में बीजेपी से कोसों पीछे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके मिलने वाले चुनावी चंदे में एक तरफ तो भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि दूसरी ओर उसके खर्चे में लगातार होती बढ़ोतरी उसके लिए बड़ा सरदर्द बन गई। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो 2022-23 में पार्टी को केवल 452 करोड़ प्राप्त हुआ। कांग्रेस को मिलने वाले चुनावी चंदे में गिरावट का असर पार्टी पर साफ नजर आ रहा है और इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान में इस बात का मंथन भी चल रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कैसे पार्टी अपने खर्च को संभालेगी, जबकि दूसरी तरफ उसका मुकाबला ऐसे दल से है जिसकी फिर से सत्ता में वापसी के संकेत नजर आ रहे हैं। वही अगर दूसरे दलों को मिलने वाली रकम पर एक नज़र डाले तो 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार CPM को 141.6 करोड़, आप को 85.1, BSP को 29.2 और NCP को 7.5 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां हुई। ऐसे में बीजेपी चुनाव में दिल खोल कर खर्च करेगी तो वहीं दूसरी पार्टियों को खर्च में कटौती करके प्रचार करना पड़ेगा और इसका असर देखने को भी मिलेगा।